Hello my dear students, welcome to our channel. I am Dr. Maya Chaudhary और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही interesting and important topic, cell cycle and cell division. ये important है, I am saying about from NEET point of view. NEET point of view से ये topic आपके बहुत important है. इस chapter में आप पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में आप माइटोसिस पढ़ेंगे. इट मीन्स दैट इस चैप्टर से आप तीन टॉपिक पढ़ेंगे और इससे नियर अबाउट दो से तीन क्वेश्चन एवरी ईयर हर साल नीट में पूछे जाते हैं. और ये चैप्टर आई एम श्योर कि अगर आप हमारे साथ कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे. बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट को मेरी कोशिश यही है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझा पाऊँ. एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो NCERT है मैं उसको फॉलो करूँगी, क्योंकि उससे ही NCERT से नियर अबाउट 85% टू 90% क्वेश्चंस NCERT से आते हैं. रह गया 10%, तो उसके लिए फिर मैं अलग से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दूंगी. मींस मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं 100% दूँ और आप मुझसे 100% लें और उसका फ़ायदा उठाएं. तो चलिए, आज का ये टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए इस टॉपिक को हम अपने रियल लाइफ से कोरिलेट करें. अब ये बताइए कि हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर जॉब हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे बड़े होते हैं, फिर उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसकी शादी होती है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि ये साइकिल जो है, लाइफ साइकिल जो है, इट गोज़ ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन. लाइकवाइज जब सेल का फॉर्मेशन होता है तो सेल भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और ये सेल साइकिल जो है ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है. अब ये बताइए कि सेल क्या है. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेल होता क्या है. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल चैप्टर में कि सेल क्या है. हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हाँ, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. अब जब हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे, सेल थ्योरी जब पढ़ रहे थे, जिसको शील्डिन एंड स्वैन दिया था, और उसमें एक स्टेटमेंट और रडॉल विर्चाओ ने ऐड किया था, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर. इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितने भी नए सेल का फॉर्मेशन होता है, ये पहले से जो सेल है उसी सेल से नए सेल का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज सेल साइकिल. अब देखिए सेल साइकिल क्या है. सेल साइकिल, जब सेल का फॉर्मेशन होता है तो सेल क्या करेगा, सेल ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा. और ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि सेल का डिविजन हो, सेल का एनलार्जमेंट हो, इस पे डिपेंड करता है. और डिवीजन और एनलार्जमेंट जब सेल का होता है तो सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा. अब एक और टर्म है आपका सेल रिप्रोडक्शन. नाउ जब सेल डिवाइड करता है तो एक सेल डिवाइड करेगा टू डॉटर सेल्स में, दो डॉटर सेल्स फिर चार डॉटर सेल्स में होगा, चार डॉटर सेल्स फिर आठ डॉटर सेल्स में होगा. तो हम क्या देख रहे हैं कि ये डिवीजन हो रहा है एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स. डिवीजन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा,
and this complete process constitute the cell reproduction. So इस पॉइंट में हमने क्या क्या देखा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, सेल को एनलार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेल रिप्रोडक्शन क्या है, सेल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है जिसमें कि सेल डिवाइड करता है एंड मल्टीप्लाई करता है, मीन्स द डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स टुगेदर इट कंस्टिट्यूट्स द सेल रिप्रोडक्शन। नाउ सेल साइकिल, अब सेल साइकिल को हम देख रहे हैं कि है क्या। हम लोग ये कहते हैं कि सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, या उसको कह सकते हैं कि एक ऑर्डर्ड इवेंट्स है, और इसका मेन गोल क्या है, मेन गोल है इसका फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, मीन्स द सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स। तो इसमें क्या होगा, सेल कैसे डिवाइड करेगा, सेल में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होगा, एक इवेंट्स होगा जैसे ग्रो किया, फिर डिवाइड किया, फिर टू डॉटर सेल्स बना, तो ये ऑर्डर्ड इवेंट्स है या सीरीज ऑफ इवेंट्स है, एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस सेल साइकिल इज द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ओके, नाउ सेल साइकिल का मेन एम है एक तो फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स जिससे कि ग्रोथ भी होगा सेल में, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें तो सेल साइकिल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑल्सो एज वेल एज हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन ऑल्सो, क्योंकि सिंगल सेल है इसका मतलब है कि एक सेल ही ये सारा फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विल बी परफॉर्म बाय दिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल है इसलिए इसमें ग्रोथ भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, सारा प्रोसेस ये सिंगल सेल करेगा। अब देखिए सेल साइकिल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में क्या होगा कि सेल जितने भी अपने जीनोम से सेट ऑफ जीन्स हैं इसका डुप्लीकेशन होगा, डबल होगा, ठीक है। सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल, इसमें आपके प्रोटीन बनेंगे, आरएनए बनेंगे, कुछ एंजाइम्स बनेंगे, इस तरह का जितने भी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है फॉर द सेल एंड डिविजन सेल के लिए, वो सारा होगा इस सेल साइकिल में ही सिंथेसाइज होगा। उसके बाद इसका मेन एम क्या है, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। सो ऑल दिस प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाना, डीएनए का कॉपी बनाना, और सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, बहुत ही प्लान्ड वे में और ऑर्डर्ड वे में ये सारे इवेंट्स होंगे। फॉर व्हाट, टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन, ताकि डिवीजन सही हो और जो भी डॉटर सेल्स बने उसमें जो जीनोम्स हो वो इंटैक्ट रहे। सो दिस इज द सेल साइकिल, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें कि आपके सेल डिवीजन होंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल ग्रोथ होगा, और ये सारे इवेंट्स जो है ये बहुत सीक्वेंस के में होगा इन ए कोऑर्डिनेटेड वे, और मेन होगा कि ताकि ये करेक्ट डिवीजन हो और जो डॉटर सेल्स या प्रोजेनी सेल्स जो फॉर्मेशन हुआ है उसके सही तरीके से उसका फॉर्मेशन हो। दिस इज़ द मेन एम ऑफ द सेल साइकिल। अब देखिए सेल साइकिल को भी कैसे हम आपको और इजी वे में समझा सकते हैं। जैसे आप ये देखते हो कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, जैसे सपोज़ किसी की शादी होने वाली है, तो क्या करते हैं हम, दो तीन महीने पहले से ही हम क्या करते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो और शादी कितने कब होती है, शादी सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन तैयारी कितना दिन के कर रहे हैं हम लोग, तीन महीने से तैयारी कर रहे हैं, शादी सिर्फ एक दिन की होती है, ठीक है। तो तैयारी में ज़्यादा टाइम लग जाता है, बल्कि फंक्शन जिस होगा उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। उसी तरह से जब सेल का फॉर्मेशन होता है तो सेल अब ये मैसेज देता है कि नाउ आई हैव टू डिवाइड। जब उसको ये इंफॉर्मेशन जाती है तो सेल साइकिल, इसमें आप देख रहे हो कि सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस, कौन कौन सा है, इंटरफेज एंड एम फेज, इंटरफेज एंड एम फेज। अब इंटरफेज जो है आपका, ये पिक्चर में आप देख लीजिए, ये पूरा आपका इंटरफेज है, ये पूरा आपका इंटरफेज है, आप देख रहे हो
इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज द प्रिपरेटरी फेज। इससे सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, अपने आप को तैयार करेगा फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन फेज, फॉर दिस एम फेज। ठीक है, तो सेल साइकिल, ये पूरा साइकिल है ये, और इसको कितने भाग में हमने बांट दिया है? दो में भागा है। कौन कौन सा है? इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इंटरफेज ये लॉन्गेस्ट फेज है, ये देखिए आप पूरा ये फेज है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इंटरफेज क्या है? दैट इज़ द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज है ये, फेज है बिटवीन टू, इंटर मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन टू माइटोटिक फेज इंटरफेज होगा। और आप देख रहे हो कि मैक्सिमम टाइम लग रहा है फॉर द प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, दैट इज 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इसमें किस में जाता है? आपका इंटरफेस में। ठीक है, ऐसे पहले साइंटिस्ट लोग ये समझते थे कि ये रेस्टिंग फेज है, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने इनका डीप स्टडी किया तो पाया कि नहीं, ये रेस्टिंग स्टेज नहीं है, बल्कि मेटाबॉलिकली ये ज़्यादा एक्टिव, मोर एक्टिव स्टेज है, क्योंकि ये सेल डिवीजन का सारा प्रिपरेशन ये इंटरफेज में ही होता है। ठीक है, तो इंटरफेज में हमने क्या देखा? सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, व्हाट आर दोस? इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज दिस इज फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, और इसमें क्या होगा? सेल ग्रोथ होगा और डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल का ग्रोथ होगा और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और इसका ड्यूरेशन कितना है? 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ये कौन यूज़ करता है? ये यूज़ करता है इंटरफेज। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर दैट इंटरफेज इज़ मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फेज, क्योंकि इसमें ग्रोथ होता है और क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब देखिए, इंटरफेज जो है ये तीन फेज में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है? एक तो हो गया जीवन फेज, एक हो गया तो आपका सिंथेटिक एस फेज, और एक हो गया आपका जी टू फेज। ठीक है, जीवन फेज को गैप वन फेज भी कहेंगे, एस फेज को सिंथेटिक फेज कहेंगे, जी टू फेज को हम गैप टू फेज कहेंगे। ठीक है, आप इस फिगर में आप देखिए, दिस इज़ द जीवन फेज, दिस इज़ द एस फेज एंड दिस इज़ द जी टू फेज। तो ये तीन फेज है, दीज आर द थ्री फेजेस ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। नाउ द फर्स्ट इज द जीवन फेज और गैप वन फेज, इसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ग्रोथ फेज। अब ये कहाँ पे है? आप देखिए ये कहाँ पे है, बिटवीन एम फेज और सिंथेटिक फेज। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया है डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि ये सिंथेटिक फेज में यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, कॉपी ऑफ डीएनए विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, सो जीवन पहला आप देखिए कि जीवन फेज जो है ये कहाँ पे है, बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, या एस फेज के बदले में हम यहाँ लिख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये देखिए, ये जो जीवन फेज है इसमें आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सेल अपने साइज को ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द सेल, जब सेल साइज ग्रो करेगा तो ग्रोथ के लिए हम सभी जानते हैं कि क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है कि प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा यहाँ जीवन फेज में। अब प्रोटीन का सिंथेसिस अगर होगा तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में कि प्रोटीन का सिंथेसिस में हमें आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। तो आरएनए कौन कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, वो भी उसका भी सिंथेसिस होगा। तो जीवन फेज में पहला हम देखेंगे कि सेल का ग्रोथ होगा, उसके बाद सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव हो जाएगा, और इसमें ग्रोथ में हमें प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें आरएनए चाहिए तो आरएनए का भी सिंथेसिस होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एस फेज में जाकर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का कॉपी बनेगा। ठीक है, तो जो भी सामान हमें चाहिए, जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए फॉर दिस डीएनए रेप्लिकेशन, वो सारा का सिंथेसिस कहाँ पे होगा? जीवन में। जो एंजाइम चाहिए हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो सारा एंजाइम का सिंथेसिस यहाँ होगा।
जो भी रॉ मटेरियल चाहिए हमें, न्यूक्लिक एसिड वगैरह सारा चीज़ हमें यहीं पे सिंथेसिस होगा, ठीक है। और जब मेटाबॉलिकली ये बहुत एक्टिव है, ग्रो कर रहा है, तो इसको एनर्जी भी चाहिए, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द करेंसी कॉइन, वह उसका भी सिंथेसिस ये जीवन फेज में होगा। सो जीवन फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट प्रिपरेटरी। अब इसमें पॉइंट आप देख लीजिए कि ये फेज कहाँ पे है, बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, ठीक है। इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, ग्रोथ सेल हो रहा है, ग्रोथ ऑफ द सेल हो रहा है। मेटाबॉलिकली व्हाट आई फील, व्हाट वी फील दैट इट इज़ वेरी एक्टिव। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, इसलिए सारे मशीनरीज का यहाँ पे सिंथेसिस होगा, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स चाहिए आपको रेप्लिकेशन के लिए, सारा का सिंथेसिस जीवन में होगा। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होना है, उसके लिए हमको आरएनए चाहिए, तो आरएनए का भी सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा, और एनर्जी हमें चाहिए जिसका से सिंथेसिस होगा। सो जीवन फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज इन विच देर इज़ अ ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव हो जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, इसलिए यहाँ पे एंजाइम और जो भी रॉ मटेरियल चाहिए फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, सभी का सिंथेसिस इसी फेज में होगा। प्रोटीन का होगा क्योंकि सेल ग्रो कर रहा है तो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस अगर होना है तो उसके लिए हमें आरएनए भी चाहिए, तो आरएनए का भी सिंथेसिस होगा और एटीपी का भी सिंथेसिस होगा। सो होप दिस फेज इज़ वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से समझ जाइए, बहुत ईजी है, और इसी के बेस्ड हम क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करेंगे, जो आप इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट इज द एस फेज। अब देखो ये एस फेज है आपका, ठीक है। यहाँ पे मेन क्या होगा, यहाँ पे मेन है आरएनए का रेप्लिकेशन। इससे बहुत बार आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये जो है आपका, ये आपके पास बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हमेशा लैंग्वेज चेंज करके, कि डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का कॉपी कहाँ बनता है, बनता है आपका एस फेज में, सिंथेटिक फेज में, ठीक है। अब इसमें देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यू में हमेशा आता है। इसमें जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो अगर डीएनए का अमाउंट अगर जीवन में 2C है, दो है, ठीक है, डीएनए का कंटेंट अगर 2C है, तो एस फेज में आके ये क्या बन जाएगा, 4C, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 2C है तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 4C, मतलब आपका डीएनए का कंटेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा। अगर जीवन में 2C है तो ये एस फेज में आएगा तो ये डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4C। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं कि डीएनए का कंटेंट क्या होगा एस फेज में, तो डीएनए का कंटेंट जो है वो 4C हो जाएगा। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोसोम नंबर रिमेंस द सेम, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहेगा, सिर्फ डीएनए का कंटेंट वो डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, ये हो गया आपका क्रोमैटिड, ये है आपका क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिड हो गया। अब आपका ये डीएनए इसमें है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, डीएनए का कंटेंट डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए आप, डीएनए का कंटेंट आपका देखिए, ये डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम। ये होता है आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिड्स। ये सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है, और सेंट्रोमियर के ऊपर में एक लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। तो ये क्या हो गया कि डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो गया, बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेंस द सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू, ये भी है हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहीं पे होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, ठीक है, टू रैप अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस आपका कहाँ पे हो रहा है, आपका एस फेज में हो रहा है, राइट।
इसमें क्या क्या हमने देखा कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए का रेप्लिकेशन होने के कारण क्या हो गया कि उनका जो डीएनए का कंटेंट होगा वो अगर 2C है जी1 फेज में, ग्रोथ 1 फेज में, तो वो एस फेज में क्या हो जाएगा, 4C। ठीक है, बट क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा यहाँ पे। ठीक है, एनिमल सेल्स में रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में होगा, और यहाँ पे ही आपका एस फेज में ही सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा, वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो गया आपका पॉइंट डीएनए रेप्लिकेशन, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया 4C, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है और रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, और सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन कहाँ पे होगा, वो होगा एस फेज में, और कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्म में। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स इसमें हैं सब MCQ रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट आइए G2 फेज। ये G2 फेज किधर है, इट इज़ बिटवीन एस फेज एंड माइटोटिक फेज। ये देखिए G2 फेज है, ये दिस इज G2 फेज बिटवीन एस फेज एंड माइटोटिक फेज। इसमें भी क्या होगा कि सेल का ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, तो जितना भी प्रोसेस बचा हुआ है वो सारा इसमें कंप्लीट करना है हमें, क्योंकि इसके बाद एक्टिवली सेल को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका सिंथेसिस होगा आरएनए का और प्रोटीन का। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट, इसमें ATP का भी सिंथेसिस होगा, क्योंकि इसके बाद सेल को डिवाइड करना है और डिवीजन करने के लिए ATP चाहिए, क्योंकि जब क्रोमोसोम जब मूव करता है फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन टू द पोलर रीजन, तो एक क्रोमोसोम 30 ATP रिक्वायर्ड होता है। एक क्रोमोसोम को 30 ATP की रिक्वायरमेंट होती है टू माइग्रेट फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन टू द पोलर रीजन। ठीक है, सो ATP का सिंथेसिस यहाँ पे होगा एंड देन सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइटोटिक फेज। तो सेकेंड ग्रोथ फेज में क्या है, इसमें भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू करेगा, यहाँ भी क्योंकि ग्रोथ हो रहा है। आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर भी ग्रोथ होगा मतलब वहाँ पे प्रोटीन हमको चाहिए, प्रोटीन चाहिए तो हमको आरएनए भी चाहिए, तो सिंथेसिस होगा आरएनए का भी, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। और हमें यहाँ पे कौन सा प्रोटीन चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है फॉर दिस स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ओके, सो ट्यूबुलिन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन भी चाहिए हमें। ATP हमें एनर्जी कॉइन भी चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम को मूव करना है फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन टू द पोलर रीजन। नाउ विथ ऑल दिस, नाउ द सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर एम फेज, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन फेज और माइटोटिक फेज। नाउ अब दूसरा हो गया, इंटरफेस तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, अब तैयारी हो गई। नाउ द सेल इज रेडी फॉर मल्टीप्लीकेशन फेज। इसमें कौन कौन से इंटरफेज में हमने देखा, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये तीनों फेज में नाउ सेल इज रेडी फॉर विच फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। अब M फेज जो है, दिस इज द एक्चुअल सेल डिविजन फेज। आप देखेंगे कि एक्चुअल सेल डिविजन जो होता है वो आपका M फेज में होगा। एंड इन ह्यूमन सेल, अगर ह्यूमन का सेल लेते हैं, तो ये जो माइटोटिक फेज है इसमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगता है। मतलब अगर 24 आवर्स का अगर साइकिल है, 24 आवर्स का साइकिल है, तो आपका 23 आवर्स किस में लगेगा, 23 आवर्स लग जाएगा आपका इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में 23 आवर्स आपके लग जाएंगे इंटरफेज में, और एम फेज में आपको कितना घंटा चाहिए, बस 1 आवर। ठीक है, 1 आवर। सो आई सेड बिफोर ओनली कि इंटरफेज 95% ऑफ द सेल साइकिल का ड्यूरेशन में इंटरफेज में होता है, और
5% एमफेज लेता है। मीन्स जैसे शादी की तैयारी होती है, 3 महीने तैयारी होती है, और शादी कितने दिन होती है, बस एक दिन किस फंक्शन होता है उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लाइकवाइज आप समझो कि ये जो डिवीजन का फेज है ये सिर्फ, इसको कितना टाइम लगेगा, बस 1 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, नाउ एम फेज में कौन कौन से फेज हैं आप देखिए यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब देखिए कैरियो का मीनिंग क्या होता है, कैरियो मीन्स ये जो कैरियो है इसका मीनिंग होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, मीन्स न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है आपका डिवीजन। ठीक है, सो कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। सो एम फेज में पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होगा साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो एम फेज इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल सेल डिवीजन। ओके, कितने ड्यूरेशन इसका रहता है, ये सारा चीज आपका एमसीक्यू है और एनसीईआरटी बेस्ड ही हमारा लेक्चर है। सारा पॉइंट आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा। ठीक है, आपका सेल डिवीजन का ड्यूरेशन कितना है, सिर्फ 1 घंटे का है ना। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फेज, कौन कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, मतलब व्हेन देयर इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस देन इट इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, एंड व्हेन देयर इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म तब होगा साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा। सो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए एम फेज, एम फेज का और कुछ पॉइंट्स है आप देख लीजिए। सेल डिवीजन ऑकरिंग इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल का मतलब हो गया आपका बॉडी सेल। ठीक है, सोमा मीन्स बॉडी, सो दिस इज नोन एज बॉडी सेल्स। सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, माइटोटिक फेज कहाँ पे हो रहा है, ये बॉडी सेल्स में हो रहा है, दैट इज सोमैटिक सेल्स। इसको हम माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स में, पेरेंट्स का अगर है 2n, तो डॉटर सेल में भी 2n ही रहेगा। मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल एंड द डॉटर सेल्स विल रिमेन द सेम। अगर यहाँ पे 2n है, अगर यहाँ पे 2n है, तो प्रोजिनी में भी या डॉटर सेल में भी आपका 2n ही रहेगा। ठीक है, सो माइटोसिस का पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये सोमैटिक सेल्स में होगा, बॉडी सेल्स में होगा, जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा है कि इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ये सारा एमसीक्यू पॉइंट है। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट्स में रहेगा और डॉटर में रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। जनरली इसको हम देखते हैं कि ये डिप्लॉयड सेल्स में होता है, मतलब 2n डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स में जनरली पाया जाता है, बट देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन। ये कभी कभी ये लोअर प्लांट्स और सम इंसेक्ट्स में हैप्लॉयड सेल्स में भी पाया जाता है, हैप्लॉयड सेल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, जनरली ये पाया जाता है डिप्लॉयड सेल्स में, बट इन सम लोअर प्लांट्स और कुछ इंसेक्ट्स में ये हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है। और इस डिवीजन से क्या होता है कि सारे जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अब ये देखिए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वाइसेंट स्टेज, दैट इज जी नॉट क्वाइसेंट स्टेज। अब इसमें क्या होता है कि सेल ने डिवाइड किया, ठीक है, अब सेल क्या हुआ, डिवीजन के बाद फिर जीवन फेज में आया, राइट, फॉर द सेकेंड डिवीजन। अब जीवन फेज में आने के बाद अब ये ग्रो करेगा, कुछ सेल ग्रो करेंगे, लेकिन अब इसको आगे डिवाइड नहीं करना है, तो वो जीवन फेज से वो एग्जिट कर जाता है। दिस इज जी नॉट, गैप जीरो। ठीक है, मतलब द सेल दे गो फॉर द सेल डिवीजन, कम टू जीवन फेज, ग्रोज इन साइज एंड देन एग्जिट जीवन स्टेज। क्यों, क्योंकि इसको अब सेल डिवीजन नहीं करना है। वैसा सेल, मतलब वो सेल जो मैच्योर हो जाएगा, अब सेल मैच्योर हो जाएगा, आगे उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एग्जिट कर जाएगा जीवन स्टेज के बाद, वो एस स्टेज में नहीं जाएगा, जीवन से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर
एग्जिट जीवन फेज, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टू एंटर इन एन इनएक्टिव स्टेज कॉल क्वाइसेंट स्टेज और जी नॉट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। इसमें बोलते हैं कि सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है, लेकिन इसमें भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन आगे ये डिवाइड नहीं करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्लांट्स में, कि पेरेन्काइमा सेल जब वो डिवाइड करता है और जब परमानेंट सेल बन जाता है तो वो क्या करता है कि जीवन से वो निकल जाता है। वो पेरेन्काइमा सेल, इट मीन्स दैट द सेल इज नाउ टर्न्ड इनटू परमानेंट सेल। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन आप पढ़े होंगे कि कुछ पेरेन्काइमेटस सेल फिर मेरिस्टमैटिक हो जाता है। मेरिस्टमैटिक मतलब अगेन दे हैव द पावर टू डिवाइड। तो क्या होगा कि फिर सेल क्या करेगा, फिर ये जीवन स्टेज में एंटर करके फिर ये सेल साइकिल में अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल। सो क्वाइसेंट स्टेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, मीन्स द सेल जो एग्जिट करेगा जीवन स्टेज में, क्यों एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि उसको वो परमानेंट सेल हो गया है और उसको अब फर्दर डिविजन नहीं करना है। बट सेल ग्रो करेगा, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव रहेगा, बट वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। दिस स्टेज इज नोन एज क्वाइसेंट स्टेज। ठीक है, नाउ कुछ सेल साइकिल का ड्यूरेशन हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो ड्यूरेशन जो होता है सेल साइकिल का, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है एंड फ्रॉम सेल टू सेल इट वैरीज। जैसे आप फ्रूट फ्लाई का देखेंगे, दिस इज़ द फ्रूट फ्लाई, ये फ्रूट फ्लाई है, इसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन है 8 मिनट्स। दिस इज़ ईस्ट सेल का है 90 मिनट्स। ये सब MCQ क्वेश्चंस है आपके। ई कोलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कोलाई कितने टाइम में डिवाइड करेगा, दैट इज़ 20 मिनट्स। इसलिए आप देखते होंगे जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हम ई कोलाई ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका सेल साइकिल 20 मिनट्स का है। मैच्योर सेल्स टेक्स लॉन्गर टू ग्रो, मेमेलियन सेल्स का है 24 आवर्स, मेमेलियन सेल्स का 24 आवर्स, और जो लिवर सेल्स है ये तो मोर देन वन ईयर लेता है फॉर वन सेल साइकिल। सो दिस इज द सेल साइकिल ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल। फ्रूट सेल में, फ्रूट फ्लाई में 8 मिनट का है, ईस्ट में 90 मिनट्स का है, ई कोलाई में 20 मिनट्स का है, मेमेलियन सेल में 24 आवर्स है, लिवर सेल्स में मोर देन 1 ईयर। सो होप दिस टॉपिक सेल साइकिल आपको अब क्लियर है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम आज आपको दे रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको नहीं आएंगे। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन, किस में होगा DNA सिंथेसिस, एस फेज। ठीक है, द आंसर इज ए, एस फेज। नाउ इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ DNA रिमेन सेम इन ईच सेल्स, देन क्रोमोजोम नंबर इज इंक्रीज, अमाउंट ऑफ DNA इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल क्या होगा, इसमें आपको अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि अगर जीवन फेज में 2C है तो ये एस फेज में क्या हो जाएगा, 4C, द कंटेंट विल बिकम 4C। थर्ड क्वेश्चन, एट वॉट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज, किस में होगा, किस में हमने कहा था कि DNA रेप्लिकेशन होगा, उसी फेज में आपका हिस्टोन का भी सिंथेसिस होगा, कौन सा होगा, इसमें आंसर है ड्यूरिंग एस फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेजेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन ए सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एट 2C। तो किस लेवल में होगा, इसमें एस फेज में ये 4C हो गया, इसमें एस फेज नहीं है, देखिए ये G2 फेज होगा, ये क्या होगा कि G2 फेज में आपका 4C सिंथेसिस फेज में आया, उसके बाद G2 फेज में भी आपका 4C होगा। ठीक है, ये फर्स्ट नहीं होगा, G0 एंड G1 नहीं होगा, सेकेंड में भी G1 एंड S में नहीं होगा, G2 एंड M नहीं होगा, क्या होगा, ओनली G2, मतलब सिंथेसिस फेज में वो 4C हुआ है तो वो कंटिन्यू होगा ओनली इन एट G2 फेज। ठीक है,
Now, the last question. A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle, as compared to gametes, the same species has same number of chromosome but twice the amount of DNA. As I said, कि S phase में क्या होगा कि amount of DNA अगर 2C है G1 phase में तो 4C हो जाएगा. But मैंने point किया था important point कि क्रोमोसोम नंबर वो सेम रहेगा. ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे. इसमें क्या हो गया एस फेज में कि क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, लेकिन डीएनए का जो कंटेंट है वो 2C था G1 में, तो वो एस फेज में क्या हो जाएगा 4C, मतलब ट्वाइस डबल हो जाएगा. ठीक है, सो होप ये आज सेल साइकिल आप लोगों को कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट में हम आपको माइटोसिस हम आपसे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.